तुलसी सब छल छाड़ी के कीजे राम स्नेहा, अंतर पति सो है कहाँ, जी न देखी सब देहा, जी न देखी सब देहा। भक्त है तो भगवान है, बिना भक्त के भगवान भी नहीं रह सकते हैं, और भक्तों की यही महिमा श्री रामचरितमानस में भी बताई गई है। ये प्रसंग आज अयोध्या कांड का है, जब वनवास गमन के लिए निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी से मुलाकात महर्षि वाल्मीकि से हुई। तब भगवान राम ने उनसे वन में निवास के योग्य स्थल के बारे में पूछा, जिसे सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को जो उत्तर दिया वह मैं आपको रोमांचित कर देगा, क्योंकि यह प्रसंग में भगवान की नहीं बल्कि भक्त की महिमा बताई गई है, जो कुछ इसी प्रकार की है। जस तुम्हार माना सभी मल वंश निधि हजासु, मुक्ता लगुन गान चुनई राम बसों ही अतासु। अर्थात आपकी यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई है, और वह आपके गुण स्वरूपी मोतियों के चुगती रहती है, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास करें। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लयै नित नासा, तुम महिनी बेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, शीशन वही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहि दूजा। जिसकी नासिका आपकी पवित्र प्रसाद की सुगंध को आदर पूर्वक ग्रहण करती, जो प्रतिदिन आपको अर्पित करके भोजन करते हैं, जो आपकी प्रसाद स्वरूप वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, जिनकी मस्तक देवता गुरु और विद्वानों के सामने विशेष तौर पर झुकते हैं, जिनके हाथ प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं, जो हृदय से आपको अतिरिक्त किसी और का भरोसा भी नहीं करते हैं, आपकी शरणापन्न रहते हैं, आप में ही लेना रहते हैं, हे प्रभु आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करिए। इतनी बढ़िया बात है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहुं तिन्ह के मन माही, मंत्र राजु नीत जपही तुम्हारा, पूजही तुम्हारी सहित परिवारा, तरपन होम करही विधि नाना, विप्रजवाई देही बहु दाना, तुमत अधिक गुरई जिया जानी, सकल भाय से वही सन
मानी। हे प्रभु, जिनके चरण तीर्थों की यात्रा करते हैं आप उनके मन में निवास करिए, जो नित्य आपका नाम जपते हैं और परिवार सहित आपको पूजा करते हैं, जो विधि पूर्वक तर्पण और हवन करते हैं और जो विद्वान को दान देते हैं, जो अपने गुरु को ईश्वर से बढ़कर सम्मान देते हैं, हे राम आपका निवास ऐसे ही भक्तों के पास अवश्य होना चाहिए। काम को मद मानना मोहा, लोभ न खोभ न राग न द्रोहा, जिनकी कपट दंभ नहीं माया, तिन्ह के हृदय सई रघु राया, सबके प्रिया सबके हित कारी, दुख सुख सशिषा प्रशंसा गारी, कहति सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तू मारी। यानी हे प्रभु, जिनके मन में काम क्रोध लोभ मोह मद लोभ कपट दंभ राग द्वेष माया जैसे विकार नहीं होते हैं, जो सबके प्रिय और सभी का हित सोचने वाले हैं, जिनके लिए दुख सुख प्रशंसा और गाली एक समान है, जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो सोते जागते आपकी शरण में लेते हैं, हे प्रभु हे श्री राम हे भगवान आप ऐसे ही भक्त के हृदय में निवास करिए। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम वसहूं तीन के मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराओ विसते बीस भारी, जे हर सही संपत्ति पर देखी, दुखित हो इरा विपति भी सी, जे नहीं राम तुम प्राण पिया रे, तीन के मना शुभ सदन तू मारे। हे प्रभु, जो भक्त आपको छोड़कर दूसरे का आश्रय नहीं लेते हैं, जो आप हो और आप में ही समाहित हो जाता है, जो पराया स्त्री को माता के समान मानते हैं, जो पराया धन को विष की तरह त्याज्य मानते हैं, जो दूसरे के सुख और संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी हो जाते हैं, हे भगवान हे परमात्मा, जो आपको प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, उन भक्तों का मन ही आपकी रहने का योग्य भवन है। अवगन ताजी साव के गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट स हई, नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हारा तिन्ह करो मन नीका, गुण तुम्हारा समुझाई नित दोसा,
जे ही सब वांति तुम्हार रोसा। राम भकत प्रिय लागाही जे तेही उरव सहु सही तवई दे। हे प्रभु, जो व्यक्ति अवगुण का त्याग करके सबके गुणों को ग्रहण करता है, जो विद्वान संतों और गौ माता की रक्षा के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है, जो जगत की मर्यादा पालन करता है और नित निपुण होता है, जो गुणों आपको आशीर्वाद और अवगुणों को अपना मानकर प्रायश्चित करते हैं, जिन्हें अपने जैसे भक्तों से प्रेम होता है, हे भगवान, हे श्री राम, आप उन्हीं के हृदय में सीता सहित अवश्य आप निवास करिए। जाति पांति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख दाई, सवतज तुम हई रही उरलाई, तेही के हृदय रहूं रघु राई, सरगुन रघु अब बरगु समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाणा, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहूं तेही के उर डेरा। हे भगवान, हे राम, हे राम, आप जो आपके लिए जाति पति धर्म बड़ाई प्रिय परिवार और सुखदायक घर का त्याग करने के लिए भी तत्पर रहता है, आपके लिए सदैव सब कुछ छोड़ देता है सिर्फ आपके लिए, स्वर्ग नरक मोक्ष जिसके लिए समान होता है, जो हर तरफ आपके धनुष बाण धारण के लिए धारण किए देव दुर्लभ स्वरूप के दर्शन करता है, जो मन कर्म और वचन से आपका दास है, हे भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप उसी के हृदय में अवश्य वास करिए। तो यह था आज की श्री रामचरितमानस का एक और दुर्लभ प्रसंग, जिसे मानस रूपी महासागर से अनमोल मोती की तरह मैं आपके सामने चुन चुन कर लाया हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, पर मैंने सोचा कि ये छोटा सा राम का भक्त जब अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जब सारा दुनिया राममय हुआ है, जब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भगवान के लिए करता है, सोचता है, तो मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरे को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ आपकी श्री चरण में आपको ध्यान करते हुए मैं हर बार कोशिश करता हूँ, हे भगवान, ये रामचरितमानस में तेरा जो गुण है वही मैं आप ही के भक्त के सामने रखूं, जो गलती जो कमी मेरे में है, हे भगवान, ये तू ही सुधारेगा। और मैं आज मेरे दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि ये जो आपके सामने राम तत्व में रख रहा हूँ, इस विषय के ऊपर आप अपना फीडबैक हमको दीजिए, और रामचरितमानस के ऐसे दुर्लभ चरित्र, दुर्लभ तत्व, दुर्लभ प्रसंग भगवान राम के बारे में आपके सामने में आगे आने वाला दिन में भी रखता रहूँगा। मेरा ऐसा ही प्रयास है, ये प्रयास मेरा जारी रहेगा उदय इंडिया डिजिटल के थ्रू। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय।